mesa. सर ये ब्रिज की हालत बहुत बुरी है, वहाँ जाकर देखे क्रैक ज्यादा नजर आए। क्रैक है बड़ी समस्या है। हम देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, हम ले क्या कर चुनाव के टाइम के बाद कोई नहीं आता है, चुनाव के बाद कोई यहाँ नहीं आया, कोई नहीं आया। Hello and welcome once again to Ground Zero Bihar, where today we are traveling to Vaishali district in the Tirhut region. In the last elections, this region spanning constituencies like Hajipur and Raghopur had been swept by the Janata Dal United BJP combined. In the 2014 Lok Sabha elections, Ram Vilas Paswan along with the BJP had swept this region, which is, remember, about an hour away from the capital Patna. But I have a long day ahead, so I've decided to start my day first with a Bihari breakfast. चुनाव कौन जीत रहा है? अभी तो गठबंधन का महागठबंधन महागठबंधन जीत रहा है। श्योर है? तो ये लड्डू आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को दोगे 8 तारीख को? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी को लड्डू इस बार नहीं दोगे? आप ये आप कहीं जेडीयू के वर्कर हो क्या? नो लालू के वर्कर हो? यस लालू के वर्कर हो। हाँ, इसलिए कह रहे हो महागठबंधन। आप मुझे बताइए कौन जीतेगा सर? महागठबंधन लालू यादव। ये आप भी लालू के पार्टी के हो क्या? यादव है आप? यादव हैं जी, आप भी यादव हैं। इसलिए वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट इन अ प्लेस विच सीम्स टू बी डोमिनेटेड बाई यादव, देयरफॉर दे आर सेइंग that this time it will be the Mahagathbandhan. In Bihar, remember, caste does play a factor, even when it comes to your laddu wala. But ye chura dahi par kahan milega? Chalo. Achha, chura dahi aane ke pehle mujhe ye batao mama, ye chunav kaun jeetega? चुनाव तो सर इस बार हम लोग महागठबंधन के वोट देने जा रहे हैं। आप भी यादव हैं? यादव हैं, उसके फर्क नहीं है, मैं किसान हूँ। यादव है इसलिए कि हम लोग को दाल मिलने जा रहा है 220 रुपए किलो। हाँ, उनका वो हम लोग से वादा किए थे कि सुनो भाई नरेंद्र मोदी जी, कि हमारा बहुमत सरकार आएगा तो हम नंबर वन में काला धन वापस करूंगा। तो नीतीश कुमार का विकास और लालू प्रसाद का अधिकार, ये आपका कॉम्बिनेशन है इस बार? जी सर, अधिकार नहीं, इनका लालू यादव जी का विकास है। सोनपुर दीघा रेल पुल, सड़क दोहरीकरण, चक्का कारखाना, वासिन सोफ माल डब्बा कारखाना, डीजल इंजन कारखाना। आपने लालू जी से अगली बार टिकट लेनी चाहिए कि आप भी राजनीति में चले जाइए। नहीं, अब आप मुझे थोड़ा ये बनाओ जी, खाएंगे सर चूरा दही पर तो बनाओ जी, लालू जी के नाम पे बना दो। एज आई कीप सेइंग, वी हैव कम टू अ ब्रेकफास्ट प्लेस ऑन आर वे टू वैशाली, विच क्लियरली इज अ एरिया वेयर द यादव्स आर इन लार्ज नंबर्स। दैट्स व्हाई रिमेम्बर लालू प्रसाद बोथ सन्स आर कॉन्टेस्टिंग इन दिस सेम वैशाली डिविजन। बट क्लियरली इफ दिस मैन इज एनी इंडिकेशन, द यादव दिस टाइम आर स्टिल फर्मली विद लालू। ये कैसे बनाते हैं? देखा जाए सर, चूरा ये क्या है? चूरा है फिर? तो दिए सर। और फिर ये दही? ये फिर दही आपको दे रहे हैं प्लेट में खाने के लिए। खाते सर रोज सुबह खाते हैं क्या? जी जी है। अरे बाप रे, इतना दही? हाँ सर, सब ना मिक्स करना है फिर? कैसे करना है मिक्स कर? चीनी नहीं, चीनी भी नहीं, मत दो यार, कोलेस्ट्रॉल, बूंदी दे दो। बूंदी सर? तो ये सब आप लालू जी को खिलवाओगे क्या 8 तारीख को जब चुनाव जीतेंगे? तो खिलाएंगे सर, खिलाएंगे, करेंगे। आप खा लेंगे तो उनको भी खिलाएंगे। इट्स नॉट अ बैड वे टू स्टार्ट द मॉर्निंग विद सो मच ऑफ दही। बड़ा अच्छा दही बना है, कहाँ से आता है दही? अपना दूध हमारा मालिक जो है से 1 करोड़ रुपए लगा कर 1.5 करोड़ अपना दुहाई खटाल है। अच्छा, वेरी गुड। ये सब यादव इस बार एक बार फिर लालू की तरफ आ रहे हैं क्या? यादव लालू ने क्या दिया है आपको? यादव चाहे और गरीब लोग जितने हैं लोग, मान सम्मान लालू जी दिए हैं। अपराधीकरण बढ़ गया जब लालू जी थे, लालू जी जेल गए हैं, चारा घोटाला हुआ है, उसके बावजूद आप दोगे उसको? उनको लालू जी गरीब के नेता है, गरीब को मान सम्मान दिए हैं, मान सम्मान देते रहते हैं। नरेंद्र मोदी गरीब के नेता नहीं है? नहीं, नरेंद्र मोदी तो है, उनका यहाँ नौबतपुर में उनका पलन गिरेगा, मीटिंग है,
कोई थाना है, उजन मीटिंग है, प्रधानमंत्री के ये सब नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के एक बार गांधी मैदान में लोग आते थे, पहले प्रधानमंत्री थे, गांधी मैदान में लोग आते थे, एक बार हेलीकॉप्टर गिर गया, एक बार प्लेन गिरा, कुछ मैंने मीटिंग करके चले गए। अब इनका थाने थाने अभी सब विधायक में मुखिया वाला में भी अभी प्रचार करेंगे, मुखिया वाला में आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुखिया के चुनाव में भी प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री की तरह नहीं कर रहे हैं, वो मुखिया की तरह कर रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, लालू नहीं बनने वाले इस बार, नीतीश जी रहेंगे तो ठीक है उससे। दोनों भाई बड़े छोट के बात है, वो लोग अपना वो रहे चाहे। अरे वो तो कल तक तो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई कर भाई, अब तो मैंने दोनों अपनी जुड़ा करना, पहले बंटवारा हो गया था, अब दोनों अपनी जुड़ा गए, दोनों भाई है, भाई भाई है। अपना रह रहा है। अच्छा, भाई भाई की बात हो गई, अब बात है वो लोग अपना रहेगा। अच्छा, चाय बड़ी कड़क बना रहे हो सर, चुनाव में कौन कड़क है इस बार, किसकी किसकी बहुमत है? लालू जी का। लालू जी का, आप भी यादव है क्या? लालू जी ने कुछ किया है क्या? हाँ जी, क्या किया? रैन बसेरा दिया है, गरीब के लिए रैन बसेरा दिया है, यानी यादव जो है अभी भी पूरी तरह से लालू के साथ है। आपको लगता है पुरानी गलती यार लालू जी सुधार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुधरेगा, इसलिए तो एक मौका मिल रहा है। ये जो जंगल राज का जो चर्चा था वगैरह, आप कह सकते हैं कि जंगल राज है, हाउ कैन दिस, ये अपराधी लोग राजनीति में इतने आए थे तो वो थोड़े के थे, उनके आदमी जो किए थे, जो कि हित कुटुंब के थे, लालू जी की थोड़ी गलती, लालू जी की गलती नहीं है कि अपराधीकरण बढ़ गया था, उनको तो आदमी की गलती था, लालू जी की थोड़ी गलती उसमें था। अरे उनको तो चारा घोटाले में तो जेल जाना पड़ा। अरे लालू जी तो जेल गए थे, थोड़े किए थे सर, घोटाला नहीं किया था ना, घोटाला नहीं किया था, उनके आदमी लोग किए थे ना, उनके आदमी फिर जेल तो लालू जी गए, नहीं जा सकते थे क्या? अगर मान लीजिए गलती करते तो वो भी तो जा सकते हैं, मान लीजिए इनको गलती की या नहीं, लालू जी ने गलती की, फंसाया गया, फंसाया गया। लालू जी एक मर्द आदमी है कि जो सबके सामने मुंह खोल के बोलते हैं, लेकिन एक इन दिस एरिया इम्पॉसिबल टू गेट अ वर्ड अगेंस्ट लालू प्रसाद, क्लियरली बिटवीन द चाय एंड द दाल चूरा एंड द लड्डूज एवरीवन हियर हैज डिसाइडेड दिस टाइम बैक टू लालू, लेट्स हेड टू हाजीपुर। ओके, वी आर हियर नाउ अबाउट टू एंटर हाजीपुर एंड गोइंग अलोंग द गांधी सेतु ब्रिज दैट कलेक्ट्स पटना टू हाजीपुर इन टू नॉर्थ बिहार across the Ganga, and in a way the state of this bridge represents the state of Bihar over the years. It was inaugurated in 1982 by Indira Gandhi, 5.5 kilometers long, and most Biharis will tell you that nothing has changed in this bridge over the last 33 years. If anything, it's become even more dangerous to cross the Gandhi Setu bridge. Let's find out what's gone wrong. And just take a look at this Gandhi Setu bridge at the moment, because this area, I am told, has not been repaired for more than 2 decades. So the bridge itself has not been expanded. As a result, it is a bit of a hazard for the number of people who cross it every day, connecting, as I said, Patna into North Bihar and Hajipur. I'm going to try and find out from the people who cross this bridge every day as to why nothing has changed. We'll find out. So Nitish Kumar has certainly helped the roads of Bihar, but the bridge remains the same. Bridge remains same, but the traffic is so much controlled. Traffic is more controlled now. Okay. Traffic is more controlled, he says, but the bridge has remained the same. ये तो दोनों गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, बिहार सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। ये ब्रिज की हालत इतनी बुरी क्यों है? पूरी सरकार की तरफ से है, कोई नहीं करता कुछ, ब्रिज कुछ ने कहा करता है, बराबर काम लगल है, बस कुछ नहीं होता है। तो सरकार को क्या कहेंगे आप आज? सरकार को इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ये सार्थक समय को निकाल कर ये इस लाइफ लाइन को पहले कम्प्लीट किया जाए। ये लाइफ लाइन को पहले कम्प्लीट किया जाए। द फैक्ट इज व्हाइल द ब्रिज इज अ लाइफ लाइन फॉर मिलियंस, इट स्टिल हैजंट रियली गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट्स द सैड ट्रूथ ऑफ perhaps much of this part of the world where there is a sense that the future is a question mark.
Let's find out more as we enter Hajipur. We're here at the Hajipur Junction in the town, which has been represented, remember, by Ram Vilas Paswan as many as 8 times in the past, including his record-breaking win in 1977 that brought him into the Guinness Book of World Records. Now, one of Mr. Paswan's big achievements is this railway headquarters, the East Central Railway Zone headquarters that Mr. Paswan established when he was railway minister in the late 90s. Bihar has been particularly blessed with railway ministers in recent times. Mr. Paswan, Nitish Kumar, Lalu Prasad have all been railway ministers, and with every railway minister, the number of rail lines coming into Bihar have only increased. So I'm going to try and get a sense from the people here as to how much this emphasis on rail lines and the railways have actually benefited the people of the region. Let's try and find out. कहाँ से हैं? ये बताइए, ये रेलवे आने से कितना फर्क पड़ा है? रेलवे जोन होने से लोगों को फर्क पड़ा है? सुविधा हुई है? सुविधा तो है, हाँ? क्या आप समझते हैं ये पासवान जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है? हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि है पासवान जी की। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार विकास बाबू के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार ने कुछ किया है खासकर की रोड लाइन रोड के लिए रोड के लिए किया? नीतीश कुमार जी ने रोड के लिए किया है, पासवान जी ने रेलवे के लिए किया है, उसके लिए नीतीश जी ने कुछ जी बताइए इस चुनाव में व्हाट इज द मेन इश्यू, क्या है बड़ा मुद्दा? सर डेवलपमेंट सर एंड द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन बिहार सर, बिकॉज सर अकॉर्डिंग टू मी सर मिस्टर नीतीश कुमार हैज फाइट two elections 2005 and 2010 against Mr. Lalu Prasad Yadav with due respect sir that his jungle raj and etc and whatsoever take place after Lok Sabha elections sir 2014 he just take a U-turn sir par Paswan ji ne bhi kitne U-turn liye hain Paswan ji to ek party mein rehte hain dusri party mein badal de kyon sahi hai na ha Paswan ji ne bhi U-turn liye hain wo to unse purana mudda hai purana hai ek vote se gira diye the Vajpayee ji ki sarkar rule nahi hua हुआ वो भी तो है फिर वही का भी लेते। ये बताइए नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आने से फर्क पूरा विश्व में फर्क पड़ेगा। बिहार का क्या कर रहे हैं? हाजीपुर में भी फर्क पड़ेगा, विश्व तो एक बात हुई, हाजीपुर पूरा ऑल बिहार ऑल इंडिया फर्क पड़ेगा। मोदी इज द बेस्ट। तो आपको लगता है ये चुनाव मोदी बनाम नीतीश कुमार जी है, पासवान बनाम लालू प्रसाद है, किसके? मोदी बनाम नीतीश, क्या आप बात कर दिए? मोदी कहाँ और नीतीश कहाँ, कोई तालमेल ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं सर। इट्स डेवलपमेंट फॉर विकास। अच्छा, मोदी विकास पुरुष है? मोदी विकास पुरुष है सर, क्योंकि नीतीश जी तो कहते हैं कि बिहारी वर्सेज बाहरी, कि ये मोदी जी और वगैरह बाहरी हैं, हम तो यहाँ के हैं, प्रधानमंत्री है तो बाहरी हो गए। सर वो आके थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनेंगे, जाहिर सी बात है कोई बिहार के ही बंदा मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग ज्यादातर जो युवा हैं, आप लोग बिहार के बाहर जाना चाहते हैं, रहते हैं या यहीं रहना चाहते हैं? लेकिन यहाँ नौकरियाँ हैं या नहीं है? नहीं है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी हम लोग, मजबूरी है। नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे? नौकरी के लिए हम बिहार ही रहेंगे और यही करेंगे नौकरी सर, यही करेंगे। लेकिन अभी तक मिलती नहीं है जहाँ सारी कहाँ उपलब्ध? कुछ नहीं, यहाँ पे कहाँ उपलब्ध है? तो कहाँ जाएंगे फिर? अभी तो दिल्ली जा रहे हैं सर। दिल्ली जा रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी तो पटना में ही रह रहे हैं, लेकिन आगे फिर निकलना पड़ेगा कहीं बाहर, भी निकलना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा। उसमें जाति का कहाँ तक ये है कि पासवान जी अपने जो जात के लोग हैं उनको फेवर करते हैं, ये सही है गलत है? नहीं, जाति जो एकदम से हम कर रहे हैं, उनके जात में पढ़े लिखे लोग कम हैं, उनके जो चमचे लोग जो उनके जो दूसरे जात के घिरे रहते हैं उन लोगों का काम होता है, तो चमचों का काम होता है जी। उनके जाति में सबसे कम पढ़ा लिखा उन्हीं के जाति का है, तो उनके जाति में वो कहाँ से उतना कर पाएंगे? वो तो चमचा से हाई फाई नेता है, वो चमचा से गिरे रहेंगे। अब सर समय आ गया है सर कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठा जाए सर, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की जाए सर, करप्शन की पॉलिटिक्स की जाए। बिहार में होगा डेवलपमेंट पॉलिटिक्स या डेवलपमेंट भी कास्ट के जरिए ही होता है? कास्ट पॉलिटिक्स अभी वैसे ही हो रहा है सर, अभी कास्ट पे ही हो रहा है जी सर, लेकिन जरूरत है सर, लेकिन जरूरत है सर की डेवलपमेंट की ही बात हो, सरकार डेवलपमेंट के आधार पर रिजेक्ट हो और सेलेक्ट हो। तो सबसे बड़ा फर्क पिछले 20-25 साल में हाजीपुर में क्या हुआ है?
क्या हुआ है? हाजीपुर का नाम सर भारत के मैप पर बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। मैप पर आ गया है, नेम और फेम है हाजीपुर का। अब आप अगर कहीं कहते हैं कि मैं हाजीपुर से आया हूँ तो लोग जानते हैं वैशाली भारत की जनतंत्र की राजधानी वैशाली है। रामविलास जी के चलते नहीं आया है, उसके बाद रामविलास जी के चलते नाम आया हाजीपुर। सेकंड रामविलास जी है हमारे इतिहास। वैशाली का इतिहास जो है वो बहुत पुराना, बहुत पुराना है, बुद्ध के जमाने से, बुद्ध के जमाने से इतिहास कभी गुलाम ही नहीं हुई। ही हैज मेड वैशाली स्पेशल सर। कौन? मिस्टर गौतम बुद्ध। अच्छा, गौतम बुद्ध वैशाली, गौतम बुद्ध व्हाट्सएप से सर। बिल्कुल सही, वैशाली के बाद नाम देने वाले हाजीपुर का रामविलास जी है ग्रीनिज बुक में। आज वो सांसद जब से हुए तब से यहाँ नाइपर ले आए, जोन ले आए, बहुत सारा चीज को लेके आए हैं। आज जो भी होटल मैनेजमेंट आया, टोटल डेवलपमेंट रामविलास जी का। तो आपको नीतीश में ज्यादा विश्वास है या नरेंद्र मोदी में ज्यादा विश्वास? नीतीश में, नीतीश में, नीतीश में। मोदी जी अनाउंसमेंट करे किसको मुख्यमंत्री बनाए, कोई चेहरा नीतीश कुमार के सामने कोई चेहरा खड़ा कर दे। नीतीश कुमार विकास कर रहा है, ये जब है नीतीश कुमार। नीतीश के सामने कोई दूसरी तरफ से चेहरा नहीं है? नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए आप नीतीश कुमार के साथ हैं। रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस फॉर डिबेटेड अपीयर्स। इट्स वेरी इजी इन बिहार टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ चर्चा द मोमेंट यू टॉक पॉलिटिक्स। वन कंस्टिट्यूएंसी ऑफ कोर्स दैट रामविलास पासवान क्लेम्स टू हैव नर्चर्ड इज द दलित कंस्टिट्यूएंसी। रिमेंबर इन दिस इलेक्शन देयर इज ऑल्सो जितन राम माझी हू इज रीचिंग आउट टू द महादलित और द मुसाहर्स हु आर हिज वोट ब्लॉक ही बिलीव्स। So we are going to go and travel to a Dalit Musahar colony to find out whether their lives have changed in this new Bihar. Let's travel. Okay, I've come on my travels in Hajipur district to the village of Jamalpur. And the significance of this is that I've come to a constituency or an area, a colony rather, which is dominated by the Musahars or the Mahadalits. In this election, they've got a disproportionate symbolic importance, some would say, because numerically they're only about 3% of the population. But with Jitin Ram Maji, the former Dhar, being seen as the face of the Musahar community, with the BJP allying with Mr. Maji and consciously targeting the Dalit vote in this election, including the Parsi community, of course, of Rambilas Paswan, with the singular aim of reducing any arithmetic edge that the Lalu Nitish combine might have in caste terms. The Dalit vote is critical in this election. But what are the issues that confront the Musahar community today? Remember, many years ago, Lalu had given the Musahar community schools or Charvaha Vidyalayas, or promised to set them up. Some of them were set up, many of them over the years became defunct. But clearly life has changed for a community which for years was ostracized, kept outside the village, and were effectively seen as the rat catchers who had no space in society. Like so much else in Bihar, they too seem to have a voice now, but probably want much more than a voice. Let's try and find out what they really want this time. Maji, namaskar, namaskar. Huh? कहाँ जा रहे हैं आप? सब मोदी जी के रैली में जा रहे हैं? हाँ, किसको वोट देने वाले इस बार? कमल छाप। कमल छाप? हाँ, कमल छाप। लालू जी ने कहा था कि मुसहरों को वो चरवा विद्यालय देंगे, ये एक आवाज देंगे, कुछ हुआ कि नहीं? फर्क पड़ा है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, बड़ा फर्क क्या पड़ा है गांव में इतने साल में? कोई फर्क पड़ा है कि नहीं? कोई सुविधा आई है कि नहीं? नहीं, सुविधा कहाँ आया है? कोई सुविधा नहीं है? देखिए ना कैसा घर है जी। हाँ, आई जस्ट थॉट आई वुड गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ अ फैमिली ऑफ सिक्स पीपल आई एम टोल्ड लिव्स इन दिस हट। टेक अ लुक, नो फैसिलिटीज, 4 to 6 पीपल जनरली लिव इन अ प्लेस लाइक दिस, एंड दैट इज the condition in which they've lived for 20-25 years. So despite the great Mandal revolution of the late 80s, early 90s, the fact is Musahars may have got a political voice now, but economically they still remain well behind the rest of Bihar. Forget about India. आप बताए, आप भी माझी हैं, तो आप जीतन राम माझी के समर्थक हैं? हम लोग जीतन माझी के समर्थन हैं।
क्या क्यों जितन राम मांझी को क्यों आप समर्थन देते हैं? हम देते हैं ये चलते जो हम ये लोग थोड़े दिन बैठे हैं तो इस सीट पर से उतार कर भिड़का दिए तो कम से कम उनको चांस नहीं मिला। ये देखिए दिखाइए अभी तक ये नल था इसमें पानी नहीं आता है कुछ नहीं आता है सर। कोई स्कूल वगैरह कुछ हुए हैं कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा है सर। हाँ स्कूल नहीं बने हैं? स्कूल तो है। हाँ स्कूल है, स्कूल में टीचर की कमी है। हाँ ठीक है, स्कूल टीचर ऐसे लिए जाते हैं जिनको बिहार की प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं है, प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं ये पता नहीं है। पर ये मुझे बताइए आरक्षण आरक्षण तो आ गया है मुसहरों को, आरक्षण तो है, आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ा क्या कि रिजर्वेशन की वजह से कम गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाएगी? मिलती है कि नहीं? टेंथ पास करेंगे तब तो कुछ स्टैंडर्ड होगा तो फाइव क्लास टेंथ एटलीस्ट होना चाहिए ना, टेंथ तो पास कर ही नहीं पाते हैं तो क्या आरक्षण का क्या फायदा? आरक्षण नहीं मिलता आपको? अरे आरक्षण नाम पेपर पे लिख देने से तो कुछ मतलब नहीं होता है ना। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है। पर इस बार ये कह रहे हैं कि ये जितिन राम मांझी को वोट देने वाले हैं। हम देंगे वो जितिन मांझी का वोट। हाँ देंगे। हाँ आप देखना चाहते हैं? हाँ आप देखना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? हम देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, हम ले क्या करते हैं। कहाँ जा रहे हैं सब आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? रैली में जा रहे हैं? किसकी किसकी रैली है? जितिन राम मांझी की रैली में जा रहे हैं सब लोग? आप जा रहे हैं जितिन राम मांझी की रैली में? ओके सो द एंटायर विलेज इज नाउ बीइंग टेकन टू अ रैली व्हिच नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी होल्डिंग इन हाजीपुर वेयर देयर लीडर जितिन राम मांझी विल ऑल्सो बी प्रेजेंट अलॉन्ग विद रामविलास पासवान। एज आई सेड अर्लियर द बीजेपी कॉन्शियसली टारगेटिंग द दलित वोट एंड एटलीस्ट फॉर दीज विलेजर्स फॉर द मुसहर कम्युनिटी जितिन राम मांझी इज क्लियरली देयर हीरो। दिस इज द वन वोट विच मांझी एंड द एनडीए कैन परहैप्स काउंट फॉर। वोट भी दोगे ना उनको या केवल देखने जा रहे हो? वोट भी है उनको। वोट भी वही दोगे? हाँ वोट भी है। वोट भी दोगे उनको? वोट देंगे। रैली में जाकर क्या किसको सुनने जा रहे हो? मोदी जी को सुनने जा रहे हो या मांझी जी को? मांझी जी का, मोदी जी का, सबको सुनने जा रहे हैं। क्लियरली नेता नंबर वन फॉर देम एज आई सेड अर्लियर इज जितिन राम मांझी। लेट्स देन गो टू दैट रैली नॉट सो मच टू लिसन टू मिस्टर मोदी और मिस्टर मांझी बट टू वंस अगेन कैप्चर द सराउंड साउंड टू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट द पीपल रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर लीडर्स हु कम टू दीज मेगा रैलीज। कम विथ मी। वोट मांगे लाना हो नेताजी, वोट मांगे लाना, वोट मांगे लाना हो नेताजी, वोट मांगे लाना। ओके वी हैव कम टू द नरेंद्र मोदी रैली हियर इन हाजीपुर। रिमेंबर द बीजेपी हैज पुट ऑल इट्स एग्स इन नरेंद्र मोदीज बास्केट। मोदी जी के बास्केट में एग्स सब हैं बिकॉज ही इज द स्टार कैंपेनर for the party, but today he will be addressing it with Jitin Ram Mazhi and Ram Vilas Paswan. I just want to get a sense, what is it about Mr. Modi's rallies that makes them so appealing to the crowd? Aap Modi ji ki rally mein aaye, Modi ji ko sunne ya Ram Vilas Paswan aur Jitin Ram Mazhi ko sunne? Modi ji, har har Modi, ghar ghar Modi, namo namo. Tino aadmi ka. Acha, par ye kya hai? Kya hai Narendra Modi mein jiski wajah se aapko lagta hai ki unke rally mein aane ko aapko acha? Narendra Modi mein daiviya shakti hai, daiviya shakti. Daiviya shakti hai. Daiviya. Ye bataiye, ek saal pehle jab Modi ji aaye yahan aaye the tab pradhanmantri ke liye contest kar rahe the, tab Bihar ne unko samarthan diya. Ha, diya. Ab to mukhyamantri ke liye hai. Modi ji to mukhyamantri nahi banenge. तो फिर भी आप मोदी जी क्यों चाहते हैं? अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और जब रहेंगे, हाँ। मोदी जी का जब सरकार यहाँ रहेगा तो जो 1,65,000 करोड़ का जो हम लोग का जो पैकेज मिला है वो हम लोग को फायदा होगा, नहीं तो ये घोटालेबाज लोग रख लेंगे, फिर उसका जो है नहीं होगा। इसलिए जंगल राज से जो नाता जोड़ लिया है उसको 1,65,000 करोड़ लेने का कोई हक नहीं है। एक मिनट ये मुझे बताइए कि मोदी जी में जब वो वक्ता है, जब बोलते हैं, लालू जी भी बड़े अच्छे वक्ता हैं,
मोदी जी और लालू जी में फर्क क्या है कि आप मोदी जी की रैली में आते हैं, लालू जी की रैली में नहीं जाते हैं? लालू जी को मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, मोदी जी काम की बात करते हैं, मोदी जी काम का बात करते हैं, लालू जी नहीं करते हैं, लालू जी नहीं करते हैं। और लोग बनना सिर्फ कॉमेडी करने आते हैं, वो सिर्फ कॉमेडी करने आते हैं और कुछ नहीं, वो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, फिलहाल जनता को कुछ नहीं करते हैं। सब दिन काम के छापरा और पटना में दोनों बेटा को बेचारे जांच लगा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी नालंदे के हैं, नालंदे के हैं। नीतीश कुमार अच्छे हैं लेकिन लालू जी अच्छे नहीं हैं। लालू जी के साथ वो चले गए, बहुत गलती की है और भाजपा को छोड़ के गलती की है। 2005 से पहले बस दंगल आज नीतीश कुमार बोल रहे थे। पर आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं? करते हैं नीतीश, बिल्कुल। लेकिन अगर वो अकेले रहते या फिर बीजेपी के साथ रहते तो सपोज लालू जी के साथ हम लोग सपोज। एक मिनट बताइए, लेकिन ये तो चुनाव जो है बिहार का वो तो मुख्यमंत्री के लिए है जी, तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है नहीं? नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी जो अपना निर्णय लिए हैं, जो उनका जो मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, वही आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। नहीं, ये मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार ने कभी विकास नहीं किया? क्या ये विकास का मुद्दा उनका है नहीं? आज लालू जी से गठबंधन करके एक मिनट आप बताइए, क्या नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया? क्या नीतीश कुमार ने विकास किया लेकिन उनके साथ बीजेपी बीजेपी गठबंधन और लालू और राबड़ी और लालू और राबड़ी एक मिनट और लालू और राबड़ी के शासन कालों को बिहार की जनता देख चुकी है। 15 साल वो जंगल राज। ये मुझे बताइए नहीं, ये मुझे क्या ये सही नहीं है कि पिछड़े और अति पिछड़े जाति जो है वो अभी भी लालू और नीतीश जी के साथ है? मैं नहीं मानता इस बात। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है इस बात में, बिल्कुल नहीं। कि बीजेपी जो आज अभी भी है ज्यादातर जो है फॉरवर्ड कास्ट की पार्टी है, ऐसा नहीं है। ये धारणा गलत हो चुकी है। ऐसे पीएम देख लीजिए, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है बीजेपी। हमारे स्थानीय नेता रामविलास पासवान जी हैं, रहेंगे और रहेंगे। हम लोग समस्त हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्त प्राणी पासवान जी को चाहते हैं, माझी जी को चाहते हैं, नित्यानंद जी को चाहते हैं, सुनिए। 1995 में सामूहिक स्थानांतरण हाई स्कूल से कर दिया गया। हाई स्कूल का भट्ठा बैठा, हम पहले शिक्षा पर बोल रहे हैं, हाई स्कूल का भट्ठा बैठा दिया। और उसके बाद क्या क्या मोदी के आने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? दूसरी तरफ से कहा जाता है कि दाल की महंगाई 200 रुपए हो गई। दाल नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो दूसरी तरफ से 200 रुपए दाल की महंगाई होगी, 15 लाख जो आपके बैंक अकाउंट में आने थे आए नहीं है, उनका कहना है दूसरी तरफ का कहना है कि मोदी जी है बड़े वादे करते लेकिन करते कुछ नहीं है। ये उनका कहना गलत है, ये उनका कहना गलत है। एक मिनट, दाल का फसल कम हुआ, उपज ही हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो यहाँ फसल आएगा क्या? रही ब्लैकलिस्ट के बाद, ये गलत है, ब्लैक कहीं नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में दिखाया जाए ब्रास, वो व्यापारी के ऊपर है ये सब। गरीबों की सरकार है सर, ये गरीबों, ये मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है सर। ये लालू जी कहते हैं उनकी सरकार जो होगी वो सामाजिक न्याय की सरकार। एक एक धक्का देके बाहर कर देते हैं लालू जी, पिछड़ा देके बाहर करते हैं, पिछड़ा या बीजेपी वाला का भी इज्जत करता है, बीजेपी का रिक्शा वाला का भी इज्जत करता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हजारों हजार रुपया एक साल में लगता था इंश्योरेंस में, हमारे मोदी जी ने फ्री करा दिया 12 रुपया में एक साल का, 2 लाख का इंश्योरेंस लालू जी का दंगल। एक मिनट तो ये कहना, ये एक बारी बारी से, एक तो ये कहना कि ये लड़ाई जो है फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड है लालू जी। नित्यानंद राय की सरकार है। चलिए, नहीं, आप मानते नहीं है ये फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की लड़ाई है। लालू जी के चलते बिहार की राजनीति जो है जातिवाद पर केंद्रित हो गई, सिर्फ लालू जी के चलते। अच्छा, तो आप वोट जातिवाद पे नहीं देते? बिल्कुल नहीं, विकास। नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, होता कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने तो 10 साल सरकार चलाई, क्या किए हैं उन्होंने? मोदी जी तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाले, मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा, तो आपका वही मोदी बनेंगे, मोदी जी रहेंगे। पर ये मुझे बताइए कि
क्या ये चुनाव मुख्यमंत्री के लिए है या प्रधानमंत्री के लिए है? नहीं तो आप वोट नरेंद्र, नहीं आप वोट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं या वोट बीजेपी को दे रहे हैं? बीजेपी में नरेंद्र मोदी। नहीं ये बताइए, आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा किया? वो भी एक विकास पुरुष है। नीतीश कुमार जो है बढ़िया आदमी थे, लेकिन लालू यादव से जब से मिल गए हैं तब से स्थिति खराब हो गया। भाजपा के साथ थे तो बढ़िया थे, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश दोनों लालू जी कहते हैं ये जो लड़ाई है ये पिछड़ों और अगड़ों के बीच में लड़ाई है, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड कास्ट की लड़ाई है। लालू जी अगर 5 साल भाजपा को भी देख लेंगे क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, किसी को लिखे हुए है। वी हैव सीन द मोदी मैजिक हियर एट दिस रैली, बट द अदर साइड इज across in Raghopur nearby, where there is another VIP constituency, the constituency which has been dominated in the past by Lalu Prasad and Rabri Devi. How do Lalu's supporters respond to the Modi challenge now? We'll go and hot this afternoon. I'm going to have a little bit of jalebi. We are in Raghopur. This is the other side of the VIP constituency of this part of Vaishali district. Remember, Raghopur has been represented twice by Rabri Devi in 2000 and 2005, but she lost the 2010 election here. And many would question whether Raghopur has really gained from the Rabri Lalu influence. Remember, Lalu's younger son Tejaswi is contesting the election this time. Now, the notion of a VIP constituency has a very different connotation, some would say, when it comes to Bihar, let's say in comparison to a Maharashtra. A Sharad Pawar, for example, has literally transformed the face of Baramati from a sleepy village into a bustling township. I'm afraid we can't say the same about Raghopur. Yes, the odd pakka road has come in the village, but the fact is here, as you see the Ganga, and you've got to connect one village to the other, a pontoon bridge which was built when Rabri was chief minister has been washed away. Many would say so has Raghopur's fortune. So let's try and find out what it means to be a VIP constituency and whether Rabri and Lalu have really done enough to justify the tag of being people who have in some way transformed at least their own constituency. Let's go ahead. Kaise ho bache? Jalebi? Nahi. Nahi khate ho? Chalo. Ek zamane mein ek time pe jab Rabri Devi mukhyamantri thi to unhone koi pontoon bridge wagera banaya tha. Kya hua us bridge ka? Us par mein. Haan, par wo is par koi bridge nahi hai. To yahan se wahan agar jana hai to नाव से, नाव से कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है नाव में, कोई जब बारिश आती है तो बारिश आई भिंज जाएगा आदमी। तो आप नहीं चाहते कि ब्रिज बने? हाँ ब्रिज बने। आइए आइए यहाँ आइए यहाँ आइए। हाँ आप नहीं चाहते कि ब्रिज बने? बन जाए। हाँ सुविधा तो होगी। हाँ हाँ अच्छा ये बताइए, बम्बू को जब जाना पड़ता है साहब, हाँ आइए, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, नवेली दुल्हन जाती है यहाँ से। हाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ हम लोगों को वहाँ। तो एक गांव से दूसरे गांव, हाँ, जब बारात जाती है कैसे? नाव पे जाती है बारात? बारात नाव से आती है। जब दुल्हन को जाना पड़ता है उधर तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग के यहाँ हमारे बिहार का ये रीति रिवाज है कि दुल्हन धरती पे नहीं उतरना चाहिए, सीधे ससुराल में उतरना चाहिए, लेकिन हमारे विकास नहीं हो रहा हमारे यहाँ, इसके कारण हमको अभी नाव से जाना पड़ता है। ये मैं तो, आप ब्रिज चाहते हैं, कम से कम एक ब्रिज तो बने। अच्छा बताइए, राबड़ी देवी तो यहाँ से विधायक भी रही हैं, मुख्यमंत्री भी रही है, लालू जी ने भी यहाँ बहुत काम किया है राघोपुर में, कोई फर्क पड़ा है? कुछ क्या फर्क पड़ा है? हाँ कोई फर्क नहीं। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है साहब, हाँ यहाँ बताइए, अभी मेरे को लग रहा है कि अभी एक IITian लड़का चुनाव लड़ रहे हैं, राकेश रोशन। हाँ। मुझे लगता है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो हमारा हर तरह का चतुर्दिक विकास हो जाएगा। हमारे पार्टी से लड़ रहा है?
मुलायम सिंह सबके पार्टी समाजवादी पार्टी से राकेश रोशन आईआईटी लड़ रहा है आईआईटी लड़ रहा है और ये बड़ी चार कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ था गैमन इंडिया मैकेनली भारत इंडोर और ये और बड़ी बड़ी कंपनी में उन्होंने वो छोड़ के और ये तेजस्वी यादव लालू के बेटे भी लड़ रहे हैं ना आपके बारे में तो मैं हम लोग जाने आसमां पास है क्लास 9 में ही पढ़ते हैं क्लास 9 का सर्टिफिकेट लेकर चुनाव में आए हैं पर वो क्रिकेटर था क्रिकेट खेला है वो सब हवाबाजी था है? क्रिकेट से कुछ नहीं होगा नहीं नहीं कुछ नहीं क्रिकेट में फ्लॉप हुए हैं तो अब 9 पास करके यहाँ आए हैं ये मुझे बताइए चुनाव जो लड़ा जाता है राघोपुर में वो विकास के नाम पे लड़ा जाता है या जाति के नाम पे लड़ा जाता है सच बताइए अभी जितने भी पार्टी हैं सभी आदमी तो कहते हैं कि हम विकास करेंगे लेकिन जिस तरह से हम लोग का राघोपुर क्षेत्र जो पड़ता है अभी तक यहाँ से दो दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं लोग फिर भी अभी तक नहीं लगता है कि देखिए इस तरह का हाल क्या है अभी तक कुछ स्कूल अस्पताल कुछ आया है कि नहीं वो सब तो ठीक है ना इतना भी बुरा नहीं है हाँ लेकिन अब जो है नया से बिजली का व्यवस्था अभी सही हुआ है ना तो पहले से कुछ ऐसा तो नीतीश कुमार ने ज्यादा किया है क्या लालू के मुकाबले जहाँ तक विकास का सवाल है क्या नीतीश जी ने ज्यादा किया है क्या बहुत ज्यादा क्या किया नीतीश जी ने बिजली 24 आवर्स आ गई बिजली 24 आवर्स यहाँ का पता नहीं बस उधर अच्छा धीरे धीरे आ रही है ये एक बड़ी बात है दिस इज वन ऑफ द बिगर इश्यूज दैट नीतीश कुमार इज ऑल्सो प्लेइंग अप इन दिस इलेक्शन प्रोवाइडिंग ग्रेजुअल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट ये बताइए लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा जाति पर लड़ते हैं या विकास पर लड़ते हैं हम लोग तो सर इस बार विकास पर लड़ रहे हैं विकास का मतलब क्या है विकास का मतलब ये हमें पानी सड़क बिजली सब चाहिए तो यू कैन सी दिस A mixed response when I raised the question whether Lalu, Rabri have really transformed the fortunes of Raghupur. As I said, some development seems to have taken place. I was here 2 decades ago. Compared to that, the roads in particular are much better even within Raghupur. The question is, who's going to build bridges across the river? Who's going to build schools where teachers actually come? Who's going to provide health facilities? Who's going to provide jobs in this part of Bihar? Raghupur in that sense has a long way to go and maybe we can find out a little bit more as we head into the village. Come with me. I met this gentleman about 20 years ago. He's a farmer in the local area. ये 20 साल में कोई फर्क आया है कि नहीं चाचा किसान अपने बलबूते पर ही चल रहे हैं चाहे जो भी है यहाँ फर्क तो थोड़ा बहुत जैसे रोड बना है कुछ बिजली आ रही है लेकिन पूर्ण रूप से हुआ नहीं है हॉस्पिटल भी नहीं मतलब यहाँ चल रहा है वो भी बंद ही है करीब करीब नहीं लेकिन यहाँ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी 2 बार यहाँ से चुनकर आई लालू जी का भी ये इलाका है उससे भी थोड़ा तो कोई असर पड़ा कि नहीं रोड में देख रहा हूँ पक्के थोड़े बन गए हैं अभी बना है ये प्रधानमंत्री आपके तरफ से है ये कोनो विधायक के तरफ से नहीं है रोड ये बोल सकते हैं हाँ बोलिए यहाँ लालू जी के राज में जी जंगल राज हुआ 15 साल में उनके समय में कोई विकास नहीं हुआ कोई बदलाव नहीं हुआ नीतीश जी जब तक भाजपा के साथ थे तब तक कुछ परिवर्तन जो अभी देख रहे हैं वो भाजपा का परिवर्तन उसके बाद फिर जंगल राज पार्ट 2 आ गया आप कह रहे हैं जंगल राज पार्ट 2 आ गया है लालू जी के आने से लेकिन ये तो आप मानते हैं कि यो यादव खास करके यादव समुदाय जो है वो तो पूरी तरह से लालू जी के साथ है ना हाँ बिल्कुल है तो यानी जाति पर एक तरह से डिवाइड आप राजपूत है तो राजपूत और यादव का तो कभी मिलाप तो होगा नहीं तो आप बीजेपी के साथ हैं और यादव जो है वो लालू के साथ है वो लालू जी जहाँ रहेंगे हाँ माने अब हम क्या कहें अब मैंने एक बात याद आ गई लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं वो जहाँ रहे वो यादव वहीं रहेंगे वो तो ये जो विकास जो है ये विकास हो रहा है या जातिवाद हो रहा है जातिवाद हो रहा है और अगला पिछड़ा का आह्वान हो रहा है आओ और उससे चुनाव भी उसी तरह से लड़ा जा रहा है अगड़ा और पिछड़ा के बीच में हाँ प्रभावित हो रहा है उससे एज यू कैन सी दिस इज
an upper caste home of a Rajput family. So clearly, they don't see Lalu in very favorable terms at the moment, believe that Lalu and Rabri have done little for the village, or at least for their part of the village in Raghopur. Yadavs obviously feel very differently, and we'll try and get a sense of how the Yadavs of the village feel, because what is very clear is the caste divide is as sharp as ever as you enter rural Bihar. Caste divide to hai. Nahi hai. Caste divide nahi hai. Hum vikas ki aur hum chalna chahte hain. Sabko saath lekar ke vikas ki aur hum jana chahte hain. Lalu ji hai, bahut armaan ke saath 90 mein hum log unko mukhyamantri banaye the. Ji. Lekin wo sab par pani phir gaya. चलिए देखते हैं कि अगली बार क्या होता है. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. गुरु जो भना ल लंगा राखी दे मोर धारी. अब पति राखी गो मोर. नमस्ते जाजा, कैसे हैं? क्या नाम है? किसान देवड़ा है. यादव है? हाँ. क्या करते हैं? माल जाल खेती बाड़ी गृहस्थी है करते हैं. क्या लगता है लालू राबरी ने कुछ भला किया है आपके राघोपुर का? थोड़ा बहुत बहुत किया कर... बहुत किया है. हाँ किया है. क्या किया है? रोड रसला बिजली दुनिया संसार सब कुछ किया है. किया है. हाँ क्योंकि हम तो राजपूत टोली में गए थे वहाँ. अच्छा. वो तो कहते हैं कि लालू राबरी जी ने कुछ नहीं किया, जंगल राज आएगा अगर वो वापस आए. हाँ तो वो लोग तो कंपटीशन में है तो बोलवे करेंगे. वो आपके कंपटीशन में है? हाँ हाँ. तो राजपूतों का विचार अलग है, अलग है लालू के बारे में, और आपका अलग है. हाँ तो ये क्या जातिवाद में आप फंस गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बात नहीं है. तो फिर अपना अपना मतदान. हाँ. जिसको जिधर जोन पार्टी में देने का इच्छा. लालू जी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? क्या लगती है? उनका तो सब बात बोलते हैं से अच्छे लगता है. आपको जो भी बोलते हैं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है. हाँ मैं तो. हाँ बताओ. मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जातिवाद नहीं रखा जाए तो यही हमारे बिहार के लिए और आने वाले भविष्य के लिए अच्छा रहेगा. क्योंकि जातिवाद के कारण हम लोग गलत नेता मतलब अवेश मार के गलत नेता चुन लेते हैं, जिससे हमारा विकास. जैसे लालू जी के बात ही उन्होंने कही. हाँ. तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ लालू जी ने आज तक अपने जाति के लिए किया, वो समाज के लिए कुछ नहीं किया है. समाज के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने जाति और मजहब के लिए लड़े हैं. कि यहाँ पे हमारे बिहार में आज तक कोई भी सरकार है या कॉलेज पर ध्यान कोई नहीं दिया. इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है. हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का हमारे वैशाली जिले की बात करें तो यहाँ पे एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है. चाचा बोलो क्या कहना चाहते थे? हम यही चाहते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ देश था. हाँ. इसका 40वां स्थान में लोग कहता था, लेकिन जो नीतीश कुमार जो कर दिया स्वास्थ्य तक बिहार में कभी पैदा न लेगा न होगा. इसने रास्ता बनाया पढ़ने के लिए, बच्चा को शिक्षा देने के लिए कपड़ा देता है, ड्रेस दिया, साइकिल दिया, गरीब को 3 रुपये करके राशन दिलवाया. वो बच्चा कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, चेन्नई इंजीनियरिंग कॉलेज हाजीपुर में ला दिया. यहाँ तो आपको लगता है नीतीश विकास पुरुष है? उन्होंने विकास पुरुष ऐसा कि इंडिया में ऐसा विकास पुरुष है आना होगा. मैं 82 बरस को मैं महात्मा गांधी जी को मैं देखा हूँ, लेकिन सबको देखा जो नीतीश जो काम कर दिया तक कोई नहीं करेगा. पर लालू और नीतीश जी में बनेगी, आपस में बनेगी? वो तो विरोधी थे, वो तो दुश्मन थे. ठीक है राइट, आपका बात जरूर है. राम बिलास जी एक वोट से बीजेपी को तोड़े थे अटल जी के सामने. हाँ. जब वहाँ संप्रदाय दंगा हुआ गुजरात में, जो 10,000 हिंदू और मुसलमान मारा. हाँ, गया. यही राम बिलास जी दरी पर बैठ करके अनशन किए कि नीतीश उसको मोदी को हटाओ. आज क्यों उसको जो मिल गया कि विकास होगा? व्हाट इज द कॉज? अरे आपको मुझे लगता है टीवी स्टूडियो में लाना पड़ेगा. आप तो बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं. यहाँ क्या है, आप चलिए मेरे साथ. आप तो हमसे अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं सब. लालू जी के अब लड़के आ गए यहाँ से लड़ने के लिए. क्या कहीं ये वंशवाद नहीं है कि एक एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी परिवारवाद है, जवाहरलाल नेहरू थे, शुरू से है कि आज वंशावली नया खड़ा हुआ. द क्वेश्चन इज हु कैन ब्रिज द डिवाइड बिटवीन what the Rajputs might want and what the Yadavs might want in Raghopur. Is Nitish that person who can provide the healing touch in a sense with his claim to providing development? We heard Narendra Modi at his rally. We are now going to hear the supporters of Nitish Kumar, because Nitish ji is also addressing a rally. Let's find out what is the secret of Nitish's continuing appeal in this part of the country. Let's go on to Nitish's rally.
आइले मतदान भैया, आइले मतदान भैया, मत दिल चलो, आइले मतदान भैया, आइले मतदान भैया, मत दिल चलो, आइले मतदान। We've come to a Nitish Kumar rally in Raghopur. One of the more interesting aspects of this election is that Nitish Kumar is campaigning in seats which are with the RJD and vice versa. In fact, Nitish and Lalu are actually planning to travel to each of the 243 constituencies of Bihar on their own. To that extent, they maybe have the slight advantage of their local appeal. In a sense also, Nitish seems to have suddenly discovered his voice as a campaigner in this do-or-die battle. But just as we heard from Modi's supporters when the Prime Minister was holding a rally in Hajipur, we thought we'd ask Nitish's supporters what they find so attractive about the Chief Minister. So let's try and find out from them. आप लोग नीतीश जी को क्यों सुनना चाहते हैं? ये तो सीट तो लालू प्रसाद या तेजस्वी की है। देखिए नीतीश कुमार जी, हाँ, ये हमारे बिहार के, हाँ, विकास पुरुष है। आज आप देख लीजिए जितना भी योजना हो, हाँ, जितना भी यहाँ पे चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसा नहीं कि पर नरेंद्र मोदी तो देश के विकास पुरुष हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के विकास पुरुष हैं, हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन बिहार का विकास पुरुष नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार पर यहाँ तो लालू प्रसाद, यहाँ तो लालू प्रसाद या यादव के कैंडिडेट बेटे हैं। गठबंधन हमारा नीतीश कुमार जी के साथ है और लालू प्रसाद यादव जी के बेटे बिहार का बेटा है, इसलिए हम लोग उनके साथ। क्या वो भी विकास पुरुष रहेंगे? क्योंकि उनके उनके विरोधी कहते हैं कि उनके आने से जंगल राज आएगा। एक बार फिर जंगल राज नहीं है, स्वतंत्र राज है, ये स्वतंत्र राज है जनाब। एक मिनट, ये हताश और निराश लोग ही जंगल राज का नारा देते हैं। लड़ना है तो नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि विकास के मुद्दा पर चर्चा हो, विकास के मुद्दा पर लड़ाई लड़िए, वह जंगल के मुद्दा पर, आरक्षण के मुद्दा पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बताइए, कल तक तो लालू और नीतीश तो एक दूसरों के विरोधी थे, अब एक साथ हो गए हैं। विरोधी तो रामविलास पासवान जी थे, जो कि एक वोट से उनके कारण सरकार गिरी थी उसी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। क्या रामविलास पासवान विरोधी नहीं है? आज वो भी उनको लेके चल रहे हैं। 18 महीने पहले यहाँ चुनाव हुए थे, तब बीजेपी जीती थी, राघोपुर में भी से बीजेपी ही आई थी, तो अब क्या फर्क पड़ गया है? धोखा दिए और आज तक वो एक बार जो गए उनको आज तक विदेश से कभी फुर्सत नहीं हुआ कि हम अपने इलाका जाएं और हम देख के आएं और वहाँ का राज का जो जनता है उनके प्रति हम कुछ कहें। वी हर्ड व्हाट सीम्स टू अट्रैक्ट पीपल टू नीतीश कुमार, just as we heard a little earlier what seems to attract Biharis to Narendra Modi. Clearly the challenge for anyone who rules Bihar is how do you bridge the divide, particularly the sharp caste divide that still exists in this state and in the kind of villages that we were just in. Remember also though that this is the land of the great Buddha and Mahavir, and there is a sense that maybe there was a time when Bihar was a symbol of India's great civilizational past. Can we rediscover that Bihar where people could actually work and live together? That's the challenge for anyone who governs Bihar. And I'm going to go at the end of this Ground Zero episode to a place in this part of Bihar that represents that great civilizational tradition. Come with on this Ground Zero Bihar edition today is here in the ancient city of Vaishali. It's a city which has a rich cultural heritage. It's the Janma Bhumi of Mahavir and it is the Karma Bhumi in a sense of Buddha, because this is where he delivered his last sermon, which is why there is this famous stupa and Buddha shrine here. पांडे जी नमस्कार, आपको हम मिलने आए हैं, थोड़ी वैशाली की जानकारी लेने आए हैं। शंकर पांडे जी ये बताइए, यहाँ आकर एक सुकून महसूस होता है, बहुत ही शांति का माहौल है, लेकिन बिहार में अशांति है,
राजनीतिक माहौल जो है और भी गर्मा गया है चुनाव की वजह से। चुनाव की वजह से जी। ये बुद्ध और बिहार में क्या इतना बड़ा अंतर क्या? बुद्ध जो कहते थे वो तो शांति की बात करते थे, आज की नेताओं में अशांति बढ़ गई है। वैशाली वास्तव में शांति प्रिय जगह है और ये स्पेशली एक ऐसे आदमी द्वारा इसको सिंचित किया गया है जो बिल्कुल शांति के प्रतीक थे। हाँ। उनका नाम था निचदासु फूजी गुरुजी। हम लोगों का एक गीत है। हाँ बताइए। न हमको हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, सब मजहब हो जिसको प्यारा ऐसा इंसान चाहिए। पांडे जी, ये जो आपने आज गीत गाया है और जो हमें सिखाया है, अगर बिहार के नेता जो है ना ये बात सीख जाए तो बिहार बहुत तरक्की करेगा। बहुत तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ तो जातिवाद का नारा लगा कर बिहार को बर्बाद कर दिया है, चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों। सबसे पहले अगर डेमोक्रेसी कहीं गया है तो वैशाली में गया है। यहाँ देखने पर ना आपको पता चलेगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन जादव है। यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है। ऑल आर वन, वी आर वैशालियन। वो पुराना बिहार शायद एक बार लौट आएगा, एक नया बिहार बनेगा, हो सकता है। और यहाँ का जो मैसेज है, यहाँ वैशाली में स्तूपा से जो मैसेज जाएगा शायद पूरे बिहार में जाएगा। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एंड देयर यू हैव इट। इन अ सेंस दिस प्लेस इज अ रिमाइंडर ऑफ द ग्लोरियस पास्ट ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन एंड ऑफ दिस लैंड ऑफ बिहार। द क्वेश्चन इज हु विल रिन्यू दैट प्लेज एंड रीडिस्कवर that old Bihar and use the past to build a future. That's the challenge here in Vaishali. With the entire team here on Ground Zero Bihar from Vaishali, this is Rajdeep Sardesai. Thank you for watching.